हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में। और आपके लिए जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो प्रोसेसर होते हैं स्मार्टफोन में, वो मतलब कि जो लेटेस्ट आते हैं वो ही क्यों यूज़ होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप फ्लैगशिप के जो प्रोसेसर होते हैं, अगर हम वही प्रोसेसर मतलब कि जो फ्लैगशिप के पुराने प्रोसेसर अगर मिड रेंज फ़ोन में लगाए, तो उससे मतलब कि क्या बेनिफिट या फिर क्या मतलब कि नुकसान होगा फ़ोन को। तो दोस्तों चलिए इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज हम। तो दोस्तों जो मतलब कि बजट रेंज के स्मार्टफोन होते हैं, उसके लिए आप जानते हो कि जो मतलब कि स्पेसिफिक सीरीज़ होती है, जैसे कि अभी तक 660 हाईएस्ट आई है उसमें, और जो 710 की मतलब कि आने वाला है, और जो वेरिएंट उसका है वो काफ़ी मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मतलब कि सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस तरह से ही मतलब कि ये वहाँ पर डिफरेंस हो जाता है हर एक चीज़ में। जैसे कि दोस्तों आप सही जानते हो कि मतलब कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन में अभी तक जो प्रोसेसर आया था 810 उसमें, या फिर जो 800 प्रोसेसर आया था स्नैपड्रैगन का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट नहीं दी जाती थी। लेकिन जो मतलब कि उससे छोटे प्रोसेसर है, जैसे कि मिड रेंज के प्रोसेसर जैसे कि 660 636, उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी सपोर्ट दिया जाता है। तो दोस्तों इसलिए ही मतलब कि जो पुराने प्रोसेसर है उसको यूज़ करना काफ़ी मतलब कि अच्छा नहीं रह सकता, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना या फिर एक्सेट्रा। तो दोस्तों लेकिन जो मतलब कि परफॉर्मेंस होगी 810 की, वो डेफिनेटली 710 या फिर जो बजट रेंज के स्मार्टफोन है उससे अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों जो न्यू मतलब कि एक्सपीरियंस मिलेगा वो हमें पुराने मतलब कि जो प्रोसेसर है उसके साथ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जानते हो कि जो एप्पल में आज तक प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो iPhone 6 7 और iPhone 11 से अगर आप कंपेयर करोगे, तो दोस्तों ये एक बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा आपको। क्योंकि दोस्तों जो iPhone 7 और 6 की है मतलब कि वो आज की डेट में एक मिड रेंज स्मार्टफोन की तरह ही है। लेकिन दोस्तों जो आज की डेट में एप्पल का फ्लैगशिप है, उसका प्रोसेसर का चेंज है, उसमें मतलब कि जो इनोवेशन है वो काफ़ी अलग आ चुका है। और जो पुराने प्रोसेसर है एप्पल के, उसमें जो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मतलब कि जो आज की जो फ़ोन्स है उसके कंपैरिजन में जो आजकल के मिड रेंज स्मार्टफोन है उसकी तरह हो चुकी है या फिर उससे भी डाउन हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों उसमें जो इनोवेशन थी उसमें की काफ़ी अलग थी, और आज की इनोवेशन काफ़ी अलग है। तो दोस्तों इसको आप देखकर पता लगा सकते हो कि जो पुराने प्रोसेसर है फ्लैगशिप के, वो आज की डेट में उतने काम के नहीं रहे हैं, या फिर जो पुराने फ़ोन के प्रोसेसर है वो आज की डेट में उतने अच्छे ढंग से आपको परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। भले दोस्तों उसकी जो स्पीड वगैरह या फिर एक्सेट्रा जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही होगी, लेकिन दोस्तों जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जो मतलब कि जो आज की डेट में अब जो प्रोसेसर आने वाले मिड रेंज में भी, वो भी 5G को सपोर्ट करने वाले, लेकिन जो दोस्तों फ्लैगशिप के प्रोसेसर है पुराने वाले वो 5G को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो 5G इनबिल्ट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा जो न्यू प्रोसेसर और पुराने प्रोसेसर है। तो दोस्तों जो जो मतलब कि पुराने प्रोसेसर हो जाएंगे, तो टाइम से वो भी दोस्तों जो रैम है स्मार्टफोन की, वो भी जो पुराने प्रोसेसर है जैसे कि 810 या फिर 800, दोस्तों वो लगभग 3 GB या फिर 4 GB रैम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जो आज के प्रोसेसर है मिड रेंज में भी, वो भी लगभग 6 और 8 GB रैम तक सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो गेम्स वगैरह होगी या फिर कुछ भी जो एप्लीकेशंस वगैरह होगी, उसके लिए कम से कम हमें 3 या 4 GB रैम तक तो स्मार्टफोन होना ही चाहिए। तो दोस्तों इसलिए भी जो उनके जो प्रोसेसर है वो आज की डेट में हम बजट रेंज के स्मार्टफोन में यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो जो आज की डेट में फ़ोन्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों जो पुराने फ़ोन्स का इंटरेस्ट उतना नहीं लोगों में, क्रेज़ उतना नहीं लोगों में। दोस्तों जो पुराने प्रोसेसर है उसमें प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो आज की डेट में फ़ोन्स बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हाईटेक बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो प्राइस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो
दोस्तों पहली बात तो ये जो मतलब कि पुराने प्रोसेसर है फ्लैगशिप वाले वो अवेलेबल होना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि दोस्तों जो भी कंपनीज है वो न्यू फोन्स की ओर अपने ध्यान देती है, जो पुराने प्रोसेसर है उसकी और वो उतना ध्यान नहीं देती। तो दोस्तों लेकिन प्राइस में भी मतलब कि अगर प्राइस उसका होगा तो वो ज़्यादा होगा, इसलिए दोस्तों आज की डेट में पुराने फ़ोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे मेरे चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।